मोमोज़ बनाने के लिए हम डो रेडी करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया 1 कप होल व्हीट फ्लार। ये मोमोज़ हम मैदा से नहीं बनाएंगे, होल व्हीट से बनाएंगे। इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक। अब इसका एक टाइट डो रेडी करेंगे। बहुत ज़्यादा डो सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही हेल्दी मोमो है, होल व्हीट फ्लार से बना हुआ। अब इसको हल्का सा तेल लगा के इसको अच्छे से 2-3 मिनट मसल लेंगे और ढक के रख देंगे। अब हम मोमो की फिलिंग बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिए 4-5 बॉइल्ड आलू। उसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून ग्रीन चिलीज चॉप किया हुआ। इसकी फिलिंग एक बहुत ही बेसिक फिलिंग है, क्योंकि हम इस मोमो से चाट का फ्लेवर देना चाहते हैं, इसलिए हम इसमें गोभी या बीन्स उस तरह की मोमो वाली फिलिंग नहीं भरेंगे। इसमें आलू की फिलिंग भरी जाती है। अब हम बनाएंगे चने की दाल टमाटर के साथ एक स्पाइसी चटनी। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 2 चम्मच तेल, 1/2 टीस्पून जीरा और 1/2 टीस्पून चॉप्ड ग्रीन चिलीज़। इसको मीडियम फ्लेम पे हम सौते करेंगे। ये एक बहुत ही स्पाइसी चटनी टाइप्स दाल बनेगी। जैसे हम बाकी चाट में इमली की चटनी या घुगनी डालते हैं, उसकी जगह हम ये चने की दाल की चटनी बना रहे हैं। उसमें हमने डाला है 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। ये हम बना रहे हैं आज अफ़गानी मोमो चाट। तो अफ़गान में इस मोमो को चने की दाल के साथ ही सर्व किया जाता है। यहाँ पे मैंने लिया है 1/2 कप चने की दाल, जिसको मैंने ओवरनाइट सोक कर लिया है। इसको हम प्रेशर कुक नहीं करेंगे। प्रेशर कुक करने से क्या, दाल गल जाती है। इसको हम गैस पर ही पकाएँगे। दाल को हमें पूरा गलाना नहीं चाहिए, खड़ा खड़ा रखना है। इसमें मैंने डाल दिया है 2-3 कप पानी। अब इस दाल को पकने में कम 10 मिनट लग जाएंगे। इसको ढक्कन लगा के हम पकने देंगे। स्टार्टिंग में हम इसमें टमाटो प्यूरी नहीं डालेंगे, नहीं तो हमारी दाल पकेगी ही नहीं। अब ये दाल थोड़ी सॉफ्ट हो गई है, मैंने यहाँ पे 2-3 फ्रेश टमाटे की प्यूरी बना ली है। और इसमें 1/2 चम्मच अमचूर डालेंगे, 1 चम्मच चीनी डालेंगे। अब इसको और 5 से 7 मिनट अच्छे से पकने देंगे। अगर पहले ही हम दाल में खटाई डाल देंगे तो दाल अच्छे से पकेगी नहीं। इसको अफ़गान में मंतो भी बोला जाता है। जिस तरह हम यहाँ पे मोमोज खाते हैं, वहाँ पे ये लोग मंतो बना के खाते हैं। मानसून के सीज़न में तो ये बहुत ही बनाया जाता है और गरम गरम खाने में बहुत टेस्टी भी लगता है। अब हम मोमोज बना के रेडी कर लेते हैं। मैंने छोटे छोटे आटे की लोई तोड़ ली है, अब इसको गोल बेलेंगे। इसको एकदम अच्छा सा राउंड शेप देने के लिए, जो देखने में सुंदर लगे, तो हम इसको एक गोल किसी भी चीज़ से इस तरह काट लेंगे। आपके पास कुकी कटर है तो आप उससे भी काट सकते हैं। थोड़ा पतला होना चाहिए बेलने में, ताकि वो अच्छे से पक। अब हम इसमें 1-1 चम्मच आलू की फिलिंग लेंगे, उसे एक टिक्की के तरह शेप देके इसके अंदर भरेंगे। अब हम मोमो की चाट बना रहे हैं तो उसके अंदर आलू तो हो गई। चाट का मज़ा आलू के बिना कहाँ आता है। उसको इस तरह हम फोल्ड करेंगे साइड से। थोड़ा सा पानी भी लगा सकते हैं ताकि ये फिलिंग खुले नहीं। देखिए, हमारा मोमो तैयार हो गया है। अब हम इसे स्टीम नहीं करेंगे, पार बॉईल करेंगे। थोड़ा सा पैन में पानी डालेंगे। पानी जब गर्म हो जाए तो हम इसमें मोमोज डाल देंगे। 5 से 7 मिनट मीडियम फ्लेम में इसको पका लेंगे। ये देखिए, हमारे मोमो एकदम रेडी हो चुके हैं। अब हम इसको तवे पर थोड़ा सा तेल डाल के इसको थोड़ा शेयर करेंगे, ताकि नीचे से और ऊपर से थोड़ा क्रिस्पी हो जाए। गैस की फ्लेम मीडियम ही रखें, ज़्यादा तेज़ गैस पे नहीं करेंगे, नहीं तो वो जल जाएंगे। दोनों तरफ से धीरे धीरे इस तरह सेक लेंगे हल्का हल्का। देखिए, हमारा मोमोज एकदम सिक्के रेडी हो चुका है।
अब इसके लिए हम पुदीना वाला दही भी रेडी करेंगे। चाट तो बिना दही के मज़ा नहीं आएगा। उसमें मैंने डाला है 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून चीनी और ये ड्राई पुदीना पाउडर है। अगर आपके पास ड्राई पुदीना पाउडर नहीं है तो आप फ्रेश पुदीना भी काट के इसमें डाल सकते हैं। अब हम मोमो चाट को सर्व करते हैं। ये एक बहुत ही यूनिक तरह की चाट है। ऐसे तो हम कितनी तरह की चाट खाते हैं, लेकिन ये अफ़गानी मोमो चाट, इसका टेस्ट बहुत ही डिफरेंट होता है। और जो हमने चने की दाल और टमाटर की चटनी बनाई है, उससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। तो आप भी इस चाट को ज़रूर बनाएं और अपने फैमिली के साथ इस मानसून में इंजॉय करें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंजॉय।